नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम दो अपकमिंग अफोर्डेबल के बारे में जिक्र करेंगे। अफोर्डेबल जल्द ही आने वाले हैं, इस टाइम जो अफोर्डेबल आ रहे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर आ रहे हैं। तो आप अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट परचेज करने का प्लान कर रहे हैं तो ये सही टाइम है, आपको ले लेने चाहिए क्योंकि इसके बाद हो सकता है ना भी आए अफोर्डेबल प्रोजेक्ट और आपको ये जो आज सस्ती चीज़ें मिल रही हैं आपको महंगी दामों में आपको लेनी पड़े। क्योंकि इस टाइम कोई भी कस्टमर अपने फ्लैट को कैंसिल नहीं करवा रहा है, बहुत कैंसिलेशन यूनिट है वो बहुत कम आती है। पहले क्या होता था कि जब मान लीजिए आपने एक अफोर्डेबल के अंदर अप्लाई किया लेकिन उस अफोर्डेबल से अच्छी लोकेशन में दूसरा अफोर्डेबल आ जाता है तो आपने जिसने पहले में अप्लाई किया था उसको कैंसिल करा के दूसरे में अप्लाई कर देते हैं। अफोर्डेबल अब कम होते जा रहे हैं तो लोग हैं समझदार हो गए हैं कि भई अब अफोर्डेबल नहीं आ रहा है तो वो कैंसिल नहीं करवा रहे हैं यूनिट। अब जिन्होंने जिस भी प्रोजेक्ट के अंदर लिया हुआ है तो यूनिट है वो होल्ड होती जा रही है और रेट है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप कोई इन प्रोजेक्टों के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि हो सकता है इनके बाद प्रोजेक्ट ना आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्टर 79 के अंदर एक अपकमिंग अफोर्डेबल आने वाला है। आपने शायद सुना भी होगा कि भाई वहाँ पे कोई राजवीक या आरएलएफ का प्रोजेक्ट आ रहा है तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 79 में, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन पड़ती है जो M3M के जो फ्लोर आ रहे हैं M3M और स्मार्ट वर्ल्ड मिक्स कंसेप्ट के ऊपर वहाँ फ्लोर लेके आएगा। ये टोटल 100 एकड़ की लैंड है जिसमें 50 एकड़ M3M के पास है और 50 एकड़ स्मार्ट वर्ल्ड के पास है तो लो राइज के फ्लोर आएंगे तो उन्हीं के बीच में ये प्रोजेक्ट आता है। ये प्रोजेक्ट है जी आरएलएफ ग्रुप का, जो पिरामिड ग्रुप का आपने अगर नाम सुना है जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाते हैं पिरामिड ग्रुप, उसी के बड़े भाई का ये प्रोजेक्ट है। उसके बड़े भाई का नाम है राजेंद्र और ये जो बिल्डर्स का ना जिस कंसेप्ट पे लेके आ रहे हैं बिल्डर्स के नाम से अगर बात करें तो ये आरएलएफ ग्रुप आप इसको बोल सकते हैं। इन्होंने पहले भिवाड़ी के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद ये हरियाणा या दिल्ली एनसीआर के अंदर इनका ये पहला प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये पहला प्रोजेक्ट है, कुछ कह नहीं सकते कि अच्छा बनेगा कैसा रहेगा। हाँ ये है कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके आसपास में इनके अंदर बुद्ध अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था वो आया था, उसके बाद बेस्टेक का प्रोजेक्ट है, गोदरेज के प्रोजेक्ट है, सिग्नेचर के प्रोजेक्ट है, अभी अपकमिंग आपके M3M के फ्लोर्स हैं उनकी बुकिंगें चल रही हैं। तो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि वहीं पर आपको अपडेट मिलेगी ये कब लाइव होंगे। जैसे ही ये लाइव होंगे उस टाइम हम आपके लिए कम्प्लीट वीडियो बनाएंगे किस टाइप का लेआउट है, किस टाइप के टावर हैं, क्या क्या प्राइजिंग है। और हो सकता है इसमें जो 2 BHK है वो 23-24 लाख रुपए का और 3 BHK 28-29 लाख रुपए में का आपको मिल सकता है। आपको एफिडेविट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप को क्योंकि वहाँ पर अपडेट डलती रहती है। दूसरा जो प्रोजेक्ट मैं बात कर रहा था वो है MRG वर्ल्ड का। MRG आने वाले 102 महीने के अंदर हो सकता है सेक्टर 90 के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे और ये प्रोजेक्ट इनका लास्ट अफोर्डेबल होगा। उसके बाद ये कुछ प्लान कर रहे हैं दीनदयाल या प्लॉट की टाउनशिपों को लाने के लिए, तो इनका जो प्लान है द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी है और न्यू गुड़गांव के अंदर भी है, तो अभी इनके पास काफ़ी ज़्यादा लैंड बैंक भी अभी बचा हुआ है। तो ये दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी जो सुनने में आया है सेक्टर 79 और सेक्टर 90 के अंदर MRG वर्ल्ड। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि उसके बाद अफोर्डेबल नहीं आ रहे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो आपको इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने ये एलिजिबिलिटी आपने चेक करनी है कि क्या आप अफोर्डेबल के लिए एलिजिबल हो जो ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप एलिजिबल हो कि आप अप्लाई कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट पे जाना है गूगल के अंदर, गूगल के में टाइप करना है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग। तो जैसे ही TCP की साइट ओपन होती है वहीं पे आपके राइट साइड में एक आइकन दिख जाएगा, उसके ऊपर ड्रो वाले आइकन के ऊपर आपने क्लिक करके आपने अपने जो भी प्रोजेक्ट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर फिर भी आपका नहीं आता है बनाना कि कैसे अप्लाई करना है तो टेलीग्राम में वीडियो डली हुई है, आप उस वीडियो को देख के भी स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए,
ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि लोगों को पता भी चले कि इस तरीके के दो प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।